बाद आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ एक और खास मेहमान अरुण मंत्री जुड़ चुके हैं, फाउंडर मंत्री फिनमार्ट के। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहला सवाल सर बाजार को लेकर के ही होगा कि आज 19,500 भी टूटा तो काफ़ी डर लग रहा है लोगों को। हालांकि ज़्यादातर हम देख रहे हैं जो दर्शक हमारे पास आ रहे हैं वो यही जानना चाह रहे हैं कि क्या अभी एवरेज कर लें। आपकी राय क्या है सर कि इस गिरावट में क्या एवरेज करने की अपॉर्चुनिटी ही दिखाई दे रही है आपको? काफी अच्छे लुक्रेटिव लेवल्स आ चुके हैं। 19,500, 19,400 ये जो लेवल्स हैं ये काफी अच्छे लेवल्स है स्पेसिफिकली पोर्टफोलियो में एडिशन करने के लिए। ये चीज हमने क्लाइंट के साथ भी शेयर की है, तो डेफिनेटली एवरेजिंग के अच्छे लेवल्स है। पर ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से वन साइड यू टर्न ले लेगा। हो सकता है कंसोलिडेशन देखने को मिले, एक से दो दिन करेक्शन भी हो सकता है, आ सकता है मार्केट में, पर ये अच्छे लेवल से बाय ऑन डिप्स करने के लिए। सेकेंडली, ट्रेडिंग काफी मुश्किल है विपुल जी, आपने भी देखा है लास्ट 4 दिन से मार्केट ऊपर खुल रहा है, नीचे क्लोज होता है, नीचे खुलता है, अगेन थोड़ा रिकवरी करके ऊपर क्लोज होता है। तो क्लियर व्यू ट्रेडिंग के लिए लेना डेफिनेटली मुश्किल है, एटलीस्ट नेक्स्ट 1 से 2 दिन के लिए। जैसे कि आपको पता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, बॉन्ड यील्ड्स यूएस में काफी बढ़ चुके हैं, तो शॉर्ट टर्म में हिकअप्स डेफिनेटली काफी ज्यादा है, पर लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे लेवल से बाय ऑन डिप्स स्पेसिफिकली पोर्टफोलियो में ऐड करें। ठीक, चलिए अब जो है बहुत सारे सर सवाल तो हैं ही दर्शकों के, लेकिन बहुत सारे शेयर भी ऐसे हैं जो कि बजिंग स्टॉक्स में हैं जिन पर यहाँ पे खबरें हैं, वो हम आपसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आखिरी हिस्से में कार्यक्रम के उसमें कुछ सवालों दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि काफ़ी लोग नाराज हो जाते हैं कि अरुण जी से हमारा प्रश्न नहीं पूछा गया। तो सर एक एक करके जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए आज की पहली खबर क्या है और उसके बाद से फिर सवाल जवाब का सिलसिला बाद में शुरू करते हैं। तो पहली खबर जो है वो निकल करके आई है वेदांता को लेकर के, और वेदांता को लेकर के सर शुक्रवार को ये खबर आ गई थी कि शुक्रवार को बोर्ड ने कंपनी के डिमर्जर को मंजूरी दे दी और कंपनी जो है कुल 6 कंपनियों में डिमर्ज होगी, और उसमें हम देख रहे हैं कि उसमें वेदांता पावर शामिल है, उसमें वेदांता एल्यूमिनियम शामिल है, उसमें वेदांता ऑयल शामिल है, साथ ही साथ उसके अंदर हम देख रहे हैं वेदांता बेस्ड मेटल्स और वेदांता जो खुद है वो, यानी कुल मिला जुला करके 6 जो कंपनियां हैं वो लिस्ट होंगी, और वेदांता के एक शेयर धारक किसी भी शेयर धारक के पास जो इसके बाद एक शेयर होगा उसको बाकी जो कंपनियां हैं उसके भी एक एक शेयर मिलेंगे। अब सर इस डिमर्जर को आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से बहुत लोगों को ये शिकायत थी कि वेदांता का शेयर चल नहीं रहा है। बहुत सारे दर्शकों के आज भी सवाल आए हैं कि अभी जो अनाउंसमेंट हुई है उसका क्या असर रहेगा, लेकिन शेयर पे हमने उतना उत्साह नहीं दिखा, हालांकि 2% ऊपर सुबह से शेयर ट्रेड कर रहा था, 2.5%। दूसरा ये है कि जो लोग लेना चाह रहे हैं उनके लिए आप किराए, बहुत लोगों के सवाल आए हैं, किसी ने 231 पे ले रखा है, किसी ने किसी और लेवल पे ले रखा है, उनके लिए क्या सलाह रहेगी, क्या अभी होल्ड करके रखें, अब तो खबर आ गई है? ठीक है विपुल जी, जब भी डीमर्जर होता है अनलॉकिंग की चांसेस तो डेफिनेटली काफी ज्यादा होती है, 240 235 के आसपास जब भी ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली अनलॉकिंग वैल्यू की तो होगी इस शेयर में, क्योंकि अगर 5 से 6 डिवीजन में डिवाइड होता है, डीमर्जर होता है, तो उसका काफी फायदा कंपनी को होगा। हो सकता है जो करंट प्राइस है उससे ज्यादा ही वैल्यूएशन में सभी कंपनी ट्रेड करें, तो पॉजिटिविटी तो जरूर बनी रहेगी। लेकिन एक सलाह जो हमने सभी के साथ शेयर की है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, 200 अगर किसी ने ट्रेडिंग करने के लिए लिया है, किसी ने शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, तो 210 का स्टॉप लॉस हमने सजेस्ट किया है सभी के लिए, जिन्होंने भी बाई करके रखा है या जिन्होंने ऊपर के लेवल के भी बाई किए हैं। 2 दिन पहले का जो लो है, जब तक वो लो ब्रीच नहीं होता एग्जिट नहीं करना है स्टॉक को, क्योंकि जो मेजर गिरावट है 250-260 से हम कंटिन्यूस देख रहे हैं, गिरावट देखने को मिल रही है, पर 210 का जो लो है मल्टी मंथ सपोर्ट भी है, सेकंड न्यूज फ्लो की वजह से स्टॉक ऊपर भी आया है। तो सलाह क्लियरली यही रहेगी विपुल जी, 210 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है, ट्रेडिंग के लिए लिया है या किसी भी चीज के लिए लिया है, 210 का लेवल जरूर ध्यान रखें। जहां तक टारगेट की बात है विपुल जी, 242-244 शॉर्ट टर्म में टारगेट रहेंगे, अगर उसके ऊपर निकलता है तो मोमेंटम बन सकता है, तो 210 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें अगर आपके पास ये स्टॉक है, 242-245 आपका शॉर्ट टर्म का टारगेट, 242-245 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट निकल करके आते हुए जो स्टॉप लॉस बताया गया है वो अवश्य आप फॉलो करें। यहाँ पर ये फिलहाल राय आप लोगों के लिए निकल करके आती हुई। अगली कंपनी लेकर के आइए और RVNL है अगली कंपनी। RVNL लगातार खबरों में बना हुआ है और आज भी खबर है ऑर्डर को लेकर के, 1098 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए कंपनी L1 बिडर बनी है, यानी कि सबसे कम बोली कंपनी की तरफ से लगाई गई है और एक नया ऑर्डर कंपनी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो ऑर्डर है वो काम जो करना होगा, जो प्रोजेक्ट है वो है हिमाचल प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विकास के लिए, और ये साउथ दक्षिण जोन जो है हिमाचल का उसमें पूरा करना होगा, अगले 2 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा होगा। और RVNL के शेयर में आज भी हम देख रहे हैं कि अच्छी मजबूती है। सर ये शेयर थक नहीं रहा है,
मतलब लोग भी जैसे नीचे आता है फिर से बाइंग आने लगती है, फिर कोई खबर आती है ऑर्डर की और फिर रफ्तार पकड़ लेता है। पिछले 6 महीने में 130% के आसपास की रैली दिखा चुका है। आपकी सलाह क्या रहेगी, जो लोग होल्ड कर रहे हैं होल्ड करते रहें, और जो लोग खरीदारी करना चाह रहे हैं जिनको लग रहा है काफ़ी रैली आ चुकी है, क्या अभी भी खरीदारी कर सकते हैं? बिल्कुल जी, डेफिनेटली होल्ड तो करना ही चाहिए क्योंकि इलेक्शन ईयर के आगे रेलवे और दोनों डिफेंस दोनों ही मुझे लग रहा है और भी मोमेंटम आता हुआ नजर आएगा। ऑर्डर फ्लोज भी काफी आ रहे हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट काफी सालों तक इनके पास ऑर्डर विजिबिलिटी भी है। अगर ये 2 से 3 साल आगे का भी देखें तो उसका जो फैक्टर इन जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑलरेडी स्टॉक में फैक्टर हो रहा है, तो मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली तेजी रह सकती है। 185 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए अगर किसी ने ले रखा है। काफी लोगों से हमारी बात भी होती है, उनके लिए 120 पे लिया है, किसी ने 140 पे लिया है, तो स्टॉप लॉस क्लियरली डिफाइंड है, 158 का स्टॉप लॉस रहेगा। विपुल जी, 158 के नीचे जब तक स्टॉक नहीं जाता मुझे लग रहा है बुलिश मोमेंटम ऊपर में जारी रहेगा। 185 पहला टारगेट रहेगा और 193 दूसरा टारगेट रहेगा। शॉर्ट टर्म के लिए लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, 185 193 ऊपर में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 185-193 तक के टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और SML इसुजू पे खबर निकल के आई है, और SML इसुजू पे खबर तो जो ऑटो नंबर्स आए हैं उसको लेकर के है। सितंबर में कंपनी की जो बिक्री है वो 16% बढ़ी है और ये बढ़ करके 872 वाहन रही है। वहीं कार्गो वाहनों की बिक्री भी 7% बढ़ करके 341 वाहन रही है। इसमें शायद एक और खबर थी कि पैसेंजर वाहनों की बिक्री जो है वो तो 22% बढ़ी है। कंपनी कुछ किराया भी, माफ़ कीजिएगा, जो है कंपनी जो कीमतें जो हैं वो बढ़ाने वाली है और उसको जो है वो आने वाले दिनों में लागू किया जाएगा। 1 अक्टूबर से ट्रक और बस की कीमतें, ख़ास तौर से जो स्कूल बसेज हैं उसकी कीमतें इन्होंने 20 से 30 हज़ार रुपये प्रति यूनिट जो है वो बढ़ा दी हैं। तो ये प्राइस हाइक और प्लस वो जिस तरीके से मार्केट शेयर बढ़ा है उन तमाम चीज़ों का असर यहाँ पर देखने को मिला है, और 6% से ज़्यादा की तेज़ी अब देखने को मिल रही है। जब ये खबर लिखी गई थी तब करीब 3% के आसपास की तेज़ी थी। 1249-1249 का भाव तो अच्छा मोमेंटम में है। सर क्या सलाह रहेगी, सर SML इसुजू कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल जी, काफी शानदार लग रहा है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक आउट परफॉर्मर रह सकता है। काफी दिनों के बाद अच्छे नंबर्स भी देखने को मिले हैं, तो 1320 1340 मुझे लग रहा है ये मोमेंटम में ऊपर जा सकता है। एक बेनिफिट इस स्टॉक को जरूर मिलेगा, एक तो स्टॉक अच्छा करेक्ट हो चुका है और मार्केट भी अच्छा करेक्ट हो चुका है, अगर मार्केट में रिकवरी आती तो स्टॉक में भी देखने को मिलेगी। तो 1320 1340 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए। बेस्ट बाइंग लेवल जो रहेगा 1220 1230 के पास मिलता है तो अच्छा लेवल रहेगा। 1190 का स्टॉप लॉस लगाए, 1300 1350 ऊपर में टारगेट। चलिए तो ये लक्ष्य यहाँ पर निकल करके आते हुए चलिए जरा अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए, और यहाँ पर भी खबरें निकल करके आ रही हैं और उसके चलते एक सकारात्मक रुझान देखने को मिल रहा है। कल्पतरु प्रोजेक्ट्स को लेकर की खबर है कि कंपनी को 1016 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स मिले हैं, और आपको ये भी बता दें कि करीब 552 करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट मिले हैं वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार के लिए कंपनी को मिले हैं, और कंपनी के शेयर में हम देख रहे हैं कि 4% से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है कल्पतरु के अंदर, और कल्पतरु का शेयर अभी अगर हम देखें तो मजबूती के साथ अभी भी कामकाज करता हुआ। सर कल्पतरु कैसा देख रहे हैं सर आप इसे, कहाँ अच्छा ऑर्डर मिला है उसके चलते एक मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर? बिल्कुल, डेफिनेटली मोमेंटम तो काफी अच्छा है, 4% 3.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लग रहा है 690-700 तक धीरे धीरे स्टॉक ऊपर जाना चाहिए। नो डाउट ऊपर के लेवल से आज प्रॉफिट बुकिंग अच्छी देखने को मिली है, पर जिस हिसाब से मोमेंटम अगर मार्केट में आता है तो 690-700 तक वापस देखने को मिल सकते हैं, तो होल्ड करें। किसी के पास होल्डिंग है तो डेफिनेटली होल्ड करके चल सकते हैं, फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है क्योंकि थोड़े लेस वॉल्यूम्स रहते हैं, ओवरऑल स्टॉक में लिक्विडिटी भी कम है, तो 700 तक के टारगेट्स के लिए शॉर्ट होल्ड करके चल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो अगर लगाना है तो 630 का लगा। चलिए इस बीच अब अगली कंपनी लेकर के सामने लेकर के आते हैं, वो है महानगर गैस को लेकर के। महानगर गैस पे आज खबरें निकल के आई कि कंपनी ने मुंबई में CNG की कीमत 3 रुपये प्रति किलो घटाई है और PNG की कीमत 2 रुपये प्रति किलो घटाई है, लेकिन तब भी शेयर में मोमेंटम है। क्यों है? क्योंकि एक तो ये है कि वॉल्यूम को लेकर के कंसर्न दिखाई दे रहे थे तो वॉल्यूम इससे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और लेकिन जेफरीज की तरफ से जो रेटिंग बढ़ाई गई है उसका भी सकारात्मक असर देखने को मिला है। जेफरीज ने रेटिंग को जो है होल्ड से बढ़ा करके बाय कर दिया है और जो लक्ष्य है उसे 1100 से बढ़ा करके 1320 रुपये कर दिया है, और उसके चलते हम देख रहे हैं महानगर गैस के अंदर आज जो है खरीदारी जो है अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। और ये शेयर जब हमने खबर बनाई थी सुबह तो करीब 4-5% के आसपास की मजबूती दिखा रहा था, अब हम देख रहे हैं करीब 8% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1110 पे आ चुका है सर महानगर गैस,
और कितनी रफ्तार देखने को मिल सकती है? क्या अभी भी फ्रेश बाइंग की कोई संभावना है या फिर रैली आ गई है, थोड़ा वेट करना चाहिए नीचे आने का? देखिए, मुझे ओवरऑल स्टॉक काफी बुलिश लग रहा है, बड़े ब्रेकआउट के संकेत भी दे रहा है। 20-30 रुपए नीचे गिरता है, अगर 1080 के पास आता है तो अच्छे लेवल्स अगेन रहेंगे। तो मार्केट में जिस हिसाब से वोलेटिलिटी है, नीचे भी आ सकता है स्टॉक, तो 1080 के पास भी आता है तो एंटर करके चल सकते हैं। ऊपर में 1140-1150 इस लेवल तक मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए। ओवरऑल बुलिश मोमेंटम है, इवन IGL भी मुझे अच्छा लग रहा है। इवन IGL आज हमने रिकमेंड भी किया, तो ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है 480-490 तक जा सकता है। 480-490 तक जा सकता है। चलिए इस बीच जो है अगली कंपनी पे बातचीत कर लेते हैं और वो है MCX। जी हाँ, MCX पे हम देख रहे हैं कि आज जो है फिर से दबाव देखने को मिल रहा है और यहाँ पर खबर ये है कि पहले तो इनका जो ट्रेडिंग नेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाना था वो कैंसिल हो गया, उसके बाद से अब मॉर्गन स्टैनले ने भी कंपनी की रेटिंग घटा दी है और शेयर पर रेटिंग घटा करके अब अंडरवेट कर दिया है और इसका लक्ष्य जो है वो कर दिया है 1270 रुपये। तो आज उस खबर के चलते हम बड़ी संख्या में निवेशकों को निकलने की सलाह दी गई है, शेयर को बेचने की सलाह दी गई है और उनकी सलाह पे ऐसा लग रहा है कि तमाम निवेशक अमल कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं MCX का शेयर 4% से ज़्यादा जो है वो टूटता हुआ दिखाई दिया है। अभी भी अगर हम देखें तो हालांकि अब निचले स्तरों से रिकवरी है MCX में, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि 2.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। MCX सर, क्या लग रहा है अब? पहले तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को लेकर के जो सेबी की तरफ से सलाह दी गई, फिर उन्होंने वो चेंज हो गया, अब मॉर्गन स्टैनले ने रेटिंग घटा दी और हम टारगेट प्राइस घटा दिए तो उसका भी असर देखने को मिला। अभी क्या करना चाहिए? क्या गिरावट में कहीं खरीद सकते हैं या अभी थोड़ा दूरी बना लें जब तक कुछ क्लैरिटी नहीं आ जाती है? मुझे गिरावट में खरीद सकते हैं, मुझे लग रहा है जो भी चीजें चल रही है शॉर्ट टर्म हिकअप्स हैं। मुझे 1940-1930 तक अगर स्टॉक कभी भी मिलता है तो ज्यादा कुछ दूर नहीं है, 2-3% दूर है, तो वहां पे डेफिनेटली बाय करके चल सकते हैं। 1900 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करें। 1900 के ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था, उसी के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है, तो बाय ऑन डिप्स वाला कैंडिडेट है। 1920-30 कभी भी मिलता है स्टॉक तो बाय करके चल सकते जी। चलिए तो ये फिलहाल वो तमाम वो कंपनियां हैं जहां पर हम देख रहे हैं काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है और जिन एक्शन के चलते जो है यहाँ पर जो है या तो तेज़ी देखने को मिल रही है या मंदी देखने को मिल रही है। सर एक खबर जो है वो चलते चलते लिखनी थी लेकिन वो हो नहीं पाई, दो कंपनियाँ और आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। एक तो अरविंदो फार्मा, जहाँ पर कि USFDA को लेकर के कंपनी USFDA ने इनके एक प्लांट को लेकर के ऑब्जेक्शन जताया है, कुछ चिंताएं जताई हैं, उसके चलते हम देख रहे हैं कि आज अरविंदो फार्मा के शेयर में दबाव देखने को मिल रहा है। फार्मा को लेके ओवरऑल आपका व्यू क्या है और खासतौर से अरविंदो फार्मा पे इस समय क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? बिल्कुल जी, फार्मा पे मेरा अभी बुलिश है। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में भी फार्मा अच्छा कर सकता है, काफी अच्छे अप्रूवल सभी को मिल रहे हैं, ऑडिट्स भी सभी के चल रहे हैं, सभी के आउटकम्स भी आ चुके हैं, तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक भी अच्छा कर सकता है। अगेन स्टॉक थोड़ा चल चुका है बिल्कुल जी, उसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। किसी के पास भी अगर होल्डिंग है तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें कि स्टॉक नीचे से ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, डबल से ज्यादा हो चुका है, तो 870 का ट्रेलिंग स्टॉप का जरूर मेंटेन करें। अगर किसी ने ले रखा है, फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है क्योंकि थोड़ा चल चुका है, अगर फ्रेश खरीदारी फार्मा में करना है तो बेटर है अगर सन फार्मा जैसे स्टॉक में जाए या जेडस लाइक में जाए, जहां पे थोड़ा मोमेंटम अभी बाकी है। तो मुझे लग रहा है ऑरो फार्मा किसी ने बाय करके रखा है तो 870 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें और अपसाइड मोमेंटम अगर आता है तो उसको राइड करके जी। और ये एक और खबर आई हुई थी मान इंफ्रा को लेकर के, यहाँ पर सुबह सुबह जो है कंपनी को ऑर्डर मिला है करीब 300-400 करोड़ रुपए का, उसके चलते हालांकि उस समय मोमेंटम ज़्यादा बनता हुआ दिखाई देता, अब करीब 1% के आसपास की बढ़त रह गई है। कैसे देख रहे हैं सर मान इंफ्रा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में, इस कंपनी में क्या कुछ संभावनाएं दिखाई दे रही हैं क्या, चाहे फंडामेंटली या फिर चार्ट्स को देखते हुए? पिछले 6 महीने में यहाँ पर भी रैली काफ़ी आई है, जो जैसे हमने देखा मिड कैप में 116% के आसपास शेयर चला है। बिल्कुल जी सही कहा, जैसे कि ऑलरेडी स्टॉक डबल हो चुका है, ये स्टॉक में मोमेंटम काफी अच्छा है, जो भी इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स हैं सभी में मोमेंटम आ चुका है। अगेन फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है क्योंकि 2-3 अगर आप देखें 40-45 दिन का कंसोलिडेशन स्टॉक में चल रहा है, तो इसमें अगर बाई करना है मोमेंटम में तो 160 के ऊपर निकलता है तो ही बाई करें, या तो फिर नीचे वापस 145-40 के आसपास आता है तो अच्छे लेवल्स होंगे। तो फ्रेश खरीदारी की राय नहीं है, अगर किसी ने बाई करके रखा है तो 145 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। 160 निकलेगा तो बड़ा टारगेट, बड़े मोमेंटम स्टॉक में दिखा सकता है, तो 170-175 जा सकता है अगर स्टॉक 160 का ऊपर का लेवल निकालता है।